भूपेंद्र पटेल ने सोमवार दोपहर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से एक साल पहले विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया है। भूपेंद्र पटेल का नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के दौरान अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत समेत भाजपा के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले अहमदाबाद में भाजपा नेता नितिन पटेल से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री आवास पर विजय रूपाणी से मुलाकात करने गए थे। इस पर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि वह मेरे पुराने पारिवारिक मित्र हैं। उन्हें सीएम के रूप में शपथ दिलाने देख हमें बहुत खुशी हो रही है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मेरा मार्गदर्शन भी मांगा है और जो मैं दूंगा भी। पटेल ने अंत में कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात आ रहे हैं। मैं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने पाटीदार मत बैंक को साधने के लिए एक बार फिर पाटीदार चेहरे को सामने किया है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तथा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित रहे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।